अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त दानिश महमूद। आज के इस वीडियो में आपके साथ एक वाक्या शेयर करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ़ लाए और मेंबर पर बैठे और आपने 3 दफ़ा आमीन कहा। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन बड़े हैरान हुए और ताज्जुब से सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने 3 दफ़ा आमीन क्यों कहा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अलैहि सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने 3 बदवाएँ फरमाई जिस पर मैंने आमीन कहा। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने पूछा, कौन सी बदवाएँ फरमाई? फरमाया कि जिब्राइल अलैहि सलाम ने पहले इरशाद फरमाया कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश ना करवाए, तो मैंने कहा आमीन। दूसरी दफ़ा में जिब्राइल अलैहि सलाम ने यह बददुआ फरमाई कि हलाक हो जाए वो शख्स कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े, तो मैंने आमीन कहा। तीसरी दफ़ा में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यह बददुआ फरमाई कि हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके अपनी बख्शिश ना की, तो मैंने कहा आमीन। नाज़रीन, ज़रा सोचिए इस पर कि यहाँ पर जिब्राइल अमीन बददुआ फरमा रहे हैं जो मुकर्रबीन फरिश्तों में से है और इनको फरिश्तों का सरदार कहा जाता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दोनों जहाँ के सरदार और अल्लाह ताला के महबूब हैं वो आमीन कह रहे हैं, तो इस बददुआ की कबूलियत में क्या शक है? रमज़ान मुबारक के अनकरीब आमद है, इसलिए हम लोग अल्लाह ताला की इबादत करके अल्लाह ताला से अपनी बख्शिश ज़रूर करवाएं।